से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय प्रतिदिन के जीवन का। यदि आपको अपना दान ना पसंद हो तो ये बुरी बात है, क्योंकि यही तो आपको मिला है। दूसरा आपको मिलने वाला नहीं जब तक कि प्रभु देने का निर्णय ना ले। बाइबल कहती कि स्वर्ग से जो मिलता है उसी से आपको संतोष कर लेना, क्योंकि अन्य साधन नहीं है। एक महिला यहां बैठी है जिन्होंने हमारे साथ यात्रा की। मैं नहीं जानती वह आप कब से हमारे साथ यात्रा कर रही हैं। 7 साल से इन्होंने स्वेच्छा से शुरू किया। वे हमारे साथ शहर में घूमती हैं, अपने खर्च पर साथ आती हैं, क्योंकि उनका एक दत्तकारी था। शुरुआत में आपको दत्तकारी पर भुगतान नहीं मिलता। चर्च में छोटी सी समस्या, हर किसी को हर चीज के लिए भुगतान चाहिए। बताइए इसका क्या हुआ? सेवा, त्याग और स्वेच्छा सेवा का। आमीन। खैर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, ये मेरा बुलावा नहीं है। अपने बुलावे तक पहुंचने से पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। दूसरी जो चीजें सामने आती हैं वे परख के तौर पर होती है, देखने के लिए कि आप छोटी चीजों के प्रति कितने वफादार हैं। आमीन। और भी कुछ लोग हैं यहां पर। जो एक और लड़की है जो हमारे साथ यात्रा करती है, केवल मात्र मेरे लिए प्रार्थना करने को, मेरे परिवार के लिए, आपके लिए, इन संगोष्ठियों के लिए, यही काम है उसका, प्रार्थना करना। जब तक यहाँ प्रार्थना करती है, हमारी सेविकाई की व्यवस्था में थी और उसने कहा परमेश्वर ने मुझे दत्तकारी दिया है, ये मेरी तो समझ में नहीं आता मगर ये मेरा दत्तकारी है। उसने कहा अगर मुझे इसका भुगतान भी ना मिले तो मुझे कार्य करना है, मुझे सिर्फ कार्य करना है, यदि मैं ना करूँ तो मुझे सहन नहीं होगा। इस तरह के जोशीले और लोगों को मैं देखना चाहूंगी। अब इसे भुगतान मिल रहा है क्योंकि वो मेरे वेतन पर है और मैं इसका मूल्य जानती हूँ और इसने साबित भी कर दिया है। मगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कहा है आप पैसे भी ना दे तो भी मैं करूंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का दत्त कार्य है। न जाने कितनों को प्रभु से दत्त कार्य मिलते मगर वे करेंगे नहीं अगर कोई व्यक्ति भुगतान ना दे। हालेलुया। ये जो मेरी दोस्त है मिनेसोटा की, मैं उसका दत्त कार्य हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। वो जानती कि उसे क्या करना है, सो जब मध्यस्थ का बोझ उसके सर पर आ जाता है वो सब छोड़कर आ जाएगी, क्योंकि वही उसका बुलावा है। हम लोग बहुत कुछ करने को स्वतंत्र हैं। पौलुस ने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूं मगर हर चीज वांछनीय नहीं है, सारी चीजें लाभदायक नहीं है, सारी चीजें मेरे लिए बढ़िया नहीं है जब मैं उनकी तुलना औरों से करता हूं। आप जो चाहे करने को स्वतंत्र हैं। आप नरक नहीं जाएंगे क्योंकि आप बहुत अधिक टीवी देखते हैं। आप नरक नहीं जाएंगे क्योंकि आप सप्ताह में बहुत अधिक समय शॉपिंग सेंटर में बिताते हैं पैसे खर्चने में। आप नरक नहीं जाएंगे यदि आप गहरे ऋण में हैं क्योंकि आप अंधाधुंध जीते रहे हैं। आप इन चीजों के लिए नरक नहीं जाएंगे पर अपने प्रारब्ध को संपन्न भी नहीं करेंगे। कुछ आप कर सकते हैं। न जाने कितने अपने कर्तव्य का थोड़ा बहुत कर गुजरते हैं। सुनिए, मैं अतीत की ओर देखकर अभी बता सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं अपने गांव में बैठी होती 25 या 30 व्यक्तियों को बाइबल सिखाती हुई और उसमें कोई खराबी नहीं, परंतु वो मेरा बुलावा नहीं था। मेरा आरंभ वहां हुआ था मगर अंत तो परमेश्वर ने कहीं और तय कर रखा है। कुछ लोग पानी में उतरने के लिए अपने पांव तो गीले कर लेते हैं, वे परमेश्वर के बुलावे पर काम शुरू करने वाले होते हैं मगर वे संपूर्ण यात्रा का मूल्य नहीं चुकाते। धन्यवाद भाई साहब, हालेलुया। कहता है देखो जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, पौलुस ने कहा मैं मार्ग तय कर चुका, अपनी दौड़ पूरी कर चुका, मैं घर जाने को प्रस्तुत हूं। यीशु ने कहा पिता मुझे महिमा दो, तुमने जो काम मुझे सौंपा था उसे मैंने पूरा कर दिया। ओह कितना बढ़िया है। मैं नहीं जानती मेरे लिए जो करता शायद आपके लिए ना करे मगर मैं ऐसे संकल्प की व्यक्ति हूं। यदि कोई ऐसी चीज है जिसे मैं बिल्कुल सह नहीं सकती तो वो है अपचय। दान का अपचय, समय का अपचय, शक्ति का अपचय। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सोचती हूं हमें सदा काम करना चाहिए, वास्तव में मैं संतुलन की पक्षपाती हूं।
आपको खेलना चाहिए और जानबूझकर खेलना चाहिए। आपको मनोरंजन चाहिए और ये भी जानबूझकर होना चाहिए और संकल्प के साथ होना चाहिए और जीवन के अन्य चीजों के साथ संतुलन में होना चाहिए। उग्र शब्द निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, चिंता दूर रखिए। आप दूर रखिए का अर्थ समझते हैं नजदीक ना आने दें। चिंता निकट आती है, नहीं दूर हो जा मुझसे। ये नहीं कि काश मैं चिंतित ना होता। कम ऑन नाउ, इसे सुलझाने की रीति नहीं काश मैं चिंतित ना होता। नहीं, आप कहिए निकल जा शैतान, निकल भाग। और इसमें समय नष्ट ना कीजिए और न ही इसके बारे में शांत रहिए। चिंता दूर रखिए, बंधनों को तोड़ दीजिए। जो पाप आपको फांसना चाहता है उसे उठाकर पटक दीजिए। संकल्प के प्रति निष्ठा रखना सीखिए। आपका 80% समय 20% प्राथमिकताओं में जाना चाहिए। मेरी उच्च प्राथमिकताएं हैं परमेश्वर, उससे मेरा रिश्ता, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता प्रथम है, उसके बाद परिवार। इनके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। फिर मेरा काम और मेरे काम के क्षेत्र में भी जितना कर सकती हूँ उससे अधिक करना। तो मेरी उच्च प्राथमिकताएं हैं प्रार्थना, अध्ययन, प्रचार और लिखाई। मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं व्यवस्थित रहूं। अपने ओर इशारा कीजिए। अब सब लोग अपने पर हाथ रखकर कहिए व्यवस्थित करूंगा जीवन को। यदि व्यवस्थित ना करूं तो उलझन बन जाएगा। संकल्प वाले लोग बनिए, संकल्प से कार्य करने वाले बनिए। यदि विश्राम करने वाले हैं तो जानबूझकर कीजिए, सोफे के पास से निकलते हुए। रिमोट कंट्रोल और डोनट्स को देखकर मोह में ना पड़े। फिर शाम को अपने से घृणा करने न लगे क्योंकि नियंत्रण शरीर को दे दिया बजाय इसके कि वो काम करे। हेलो, केंद्रित रहिए। यह पहले से आज अधिक कठिन है। इस शताब्दी में जीने वालों के लिए मुझे खेद है जब जीवन सीधा साधा या तो शायद अधिक सरल था, मगर हम इस समय में जीते हैं इसलिए इसे निपटना सीखना है। आज देखिए लगातार जानकारियां चली आ रही हैं। हाईवे पर गाड़ी चलाते लगता है एनसाइक्लोपीडिया से निकल रहे हैं। मैंने कुछ सेक्रेटरियों को बाहर भेजो ये कहकर कि अपनी कार में यहां से निकलकर एक मील आगे चलकर देखिए और गिनिए कि कितने विज्ञापन आपको उस एक मील के अंदर दिखाई देते हैं। 45 भिन्न भिन्न चीजें हाईवे पर एक मील के अंदर विज्ञप्ति पर हैं। काम से घर लौटते हुए आपको कितने संदेश मिल जाते हैं। कितना सरल है मन को किसी चीज पर लगाना जहां उसे लगने की जरूरत नहीं। जब आप टीवी देखते हुए कार्यक्रमों के बीच में एक विज्ञापन नहीं दिखाते हैं, वे 5 या 6 भिन्न भिन्न चीजें दिखाते हैं और जब उनका काम हो जाता है मुझे पता नहीं मैंने क्या देखा। कोई साबुन का विज्ञापन था या अंडरवेयर या छुट्टी का, पता नहीं, इसलिए कि वो इतना तेज लगता है कि अंदर कहीं है मगर मन के सामने नहीं है। ठीक बोल रही हूं ना? मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये तो यूं था, पुम 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 पुम। मुझे किस काम पर रहना था, मैं कौन हूं? फिर जब थोड़ा सा बुढ़ापा आने लगता है मैं किसी के विनाश की भविष्यवाणी नहीं कर रही हूं मगर कह रही हूं कि मैं 60 की और कभी कभार बुजुर्ग यद बोल उठती है। जिन लोगों को मैं सालों से जानती हूं उन्हें देखकर कभी कभी पहचान नहीं पाती, मगर जानते मुझे कोई रोग नहीं है। मेरे दिमाग पर बहुत दबाव है। मुख्य बात यह है दिमाग में बहुत से संदेश आते जाते हैं और मेरा दिमाग परिपूर्ण है और मैं उन्हें देखती हूं और कहती हूं ओ,
आज सवेरे अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से मैं बोल उठी, लैरी एक काम करो, मैंने कहा एक मिनट मुझे याद करने दो, लोग हम तक 2400 घंटे पहुंच सकते हैं सातों दिन हफ्ते में, फैक्स, ईमेल, बीपर, फोन या कॉल, फोन से सदा ही समय देने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप जानते हैं हम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं? क्या सोचा था कि चर्च में सेवा से पहले हमें लोगों से कहना पड़ेगा कि अपने सेल फोन्स ऑफ कर लें? एक बात जानते हैं, दाऊद ने अधिकांश भजन लिखे थे मगर शर्त यह उसके पास कोई सेल फोन, बीपर या लैपटॉप नहीं था। आमीन। क्षमा करे प्रभु, सेल फोन बज रहा है, मैं एक मिनट में भेड़ों के पास लौटता हूं। एक मिनट रुकिए प्रभु, मुझे ईमेल का उत्तर देना है। आधी रात को जब हम उठते हैं बाथरूम जाने के लिए, तब जाकर ईमेल को चेक करने में एक समस्या होती है। आप सन 2004 में जी रहे हैं, इसके लक्षण है भी अपना पासवर्ड माइक्रोवेव में डालने की आपने कोशिश की। बीपर पर बेटे को सूचना दी जाती है कि खाने का समय हो गया और वो बेडरूम से ईमेल पर पूछता है कि खाने में क्या बनाया है। आपकी बेटी अब गर्ल स्काउट कुकीज बेचती है वेबसाइट पर। आप दिन में कई बार साउथ अफ्रीका के एक अजनबी से बातें करते मगर अपने पड़ोसी से आपने इस साल बात नहीं की। अपने घर के दरवाजे के सामने आकर सेलफोन से मालूम करते कि क्या घर में कोई है। आप कंप्यूटर खरीदते हैं और 6 महीने के बाद वो पुराना हो जाता है और उसे बेचने से आधा ही मूल्य मिलता है। घर से बिना सेलफोन लिए बाहर निकलना, जो कि आपके जीवन के पहले 20, 30 या 40 सालों में आपके पास नहीं था, अब एक आतंक का कारण बन गया। इसे लौट कर उसे लेकर आप फिर निकलते हैं। ओह, एक मिनट, मेरा सेलफोन नहीं। कोई मुझे बुला रहा होगा, शायद मैं कुछ खो दूंगा, शायद 2 घंटे मुझे शांति मिल जाए। हे प्रभु, इसे अगर ऑफ कर दो तो शायद प्रभु वाणी सुनाई दे। आजकल शॉपिंग करते हुए जब पैसे निकालते तो लोग सोचते हैं कि आप लोकातीत हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है? नहीं, मेरे पास पैसे हैं। आज डाइनिंग रूम साफ करने का अर्थ है कार के पीछे से फास्ट फूड बैग्स बाहर निकालें। दूसरे दिन एयर डिलीवरी को आप बहुत धीमी समझते हैं और आप अधीर हो उठते हैं। संस्थापन के बारे में आपकी धारणा है बहुरंगी पोस्ट करो पत्र। आप एक और फोन लाइन को ले सकते हैं ताकि कोई चीज पीछे ना छूट जाए। जब आप इंटरनेट को ऑफ करते हैं तो आपको लगता है जैसे आप किसी प्रियतमा से दूर हो गए हैं। आप सुबह उठते हैं, ऑनलाइन पे शुरू हो जाते हैं, काफी तक पिए बिना आप रात को 2 बजे उठते हैं बाथरूम के लिए और ईमेल चेक करते हैं सोने से पहले। आप इसे पढ़ते हैं और इससे भी बुरा, आप इसे किसी और को भेजने वाले हैं। बाइबल कहती कि हम संसार में हैं मगर संसार के ना बने। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी और से अच्छा बर्ताव करते हैं, मगर ये कि ये नहीं हो सकता कि संसार में हर कोई जो करता है हम भी करें और प्रभु की इच्छा को भी मान्यता दें अपने जीवन में। आपको निर्णय लेना है कि दिन में कुछ देर आप सेल फोन नहीं रखेंगे। मैं कुछ लोगों को जानती हूं जिन्हें वॉइस मेल से इनकार है। मैं एक सेवक को जानती हूँ जिन्हें वॉइस मेल से इनकार है। उन्होंने कहा, मैं सेलफोन बंद करके 2 घंटे प्रार्थना के लिए नहीं जाऊंगा और फिर वापस आकर 35 कॉल करूं। वे अगर मुझे इतना ही चाहते हैं तो जब मैं मिलूं तो
वे लोग कॉल कर लेंगे। आमीन। हमें कभी कभी अपने आप को साधारण से अलग कर लेना चाहिए। असाधारण लोग वे हैं जो अपने को साधारण से अलग कर लेना जानते हैं ताकि उनकी प्राथमिकताओं पर दृष्टि रहे। उदाहरण के लिए, प्रभु ने मूसा को हर चीज से अलग कर दिया और उसने 40 साल वीराने में बिताए प्रभु की वाणी सुनना सीखते हुए। इसे सुनिए, दाऊद भेड़ों के साथ अकेला था गडरिया बनकर, याकूब अकेला हो गया और प्रभु के साथ मल्ल युद्ध किया, इब्राहिम को हर चीज से दूर होना पड़ा और ऐसी जगह जाना पड़ा जहां वो अजनबी था और कोई उसे जानता नहीं था। पौलुस मतांतर के बाद अरब देश चला गया 13 साल के लिए और हर एक से दूर रहा। वो सेवा कर रहा था मगर जानने वालों से दूर हो गया। सारे चेले बुला लिए गए साधारण से असाधारण बनने के लिए, जो दुनिया की रवानी बदल देने वाले थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे, और वे पीछे हो लिए। एस्तेर बुला ली गई, रुथ बुला ली गई। जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं साधारण से अधिकतर दूर होने लगी। मेरे दोस्तों ने नहीं समझा और कभी मेरे परिवार वालों ने भी नहीं समझा। मेरे हृदय में कुछ और चल रहा था, मुझ में एक आवेश था, मुझे कोई खींच रहा था। आप मेरी बात को सच मानिए, मैं एक तरह का विचित्र बतख हूं, क्योंकि जानते मैं सबके साथ झुंड में चलने वाली नहीं थी। लोग मुझे समझते नहीं थे और कभी कभी तो मुझे ठेस लगती थी, मगर मुझे बहुत से काम करने, बहुत कुछ मेरे मन में है। मेरे जीवन पर बहुत बड़ा बुलावा है और मुझे खेद है कि मैं हर काम हर किसी की इच्छा अनुसार नहीं कर सकती। मैं तो वही करूंगी जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। देखिए, लोग नहीं चाहते कि आप साधारण हो, मगर वे चाहते हैं कि आप साधारण हो। वे चाहते हैं कि कोई असाधारण बात आप उनके जीवन में लाएं, और लाते हुए आप साधारण रहे, और यह आप नहीं कर सकते। हालेलुया। असाधारण लोग सदा गलत समझे जाते हैं। मैं हरे की तरह नदी के बहाव के साथ नीचे की ओर नहीं जा सकती। तैरती तैरती मैं आपसे मिलूंगी ऊपर की ओर जाती हुई। आशा है आप मुड़कर मेरे साथ हो लेंगे, क्योंकि मैं आप ही ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत पहले ही मैंने ठान लिया है अपना दत्त कार्य पूरा करने के लिए। मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, मेरे साथ कोई करने वाला हो या ना हो। मैं अपने परिवार से ये बात नहीं करती, वे इतने सच्चे हैं। आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मैं एक आम बात कर रही हूँ कि किस तरह लोग बात को समझते नहीं है और आपको पीछे हटाना चाहते हैं। मेरे आरंभ के दिनों में मेरी कुछ सहेलियां कहा करती थी, सुनो जॉयस, मुझे स्मरण है इस लड़की ने मुझसे कहा था कि हमें तुम्हारे बारे में चिंता है। तुम्हें किस बात की चिंता है? हमारे ख्याल से तुम डूबने वाली हो इस इशू फ्रीशू को लेकर। मैं डूबने वालों का अर्थ क्या है? देखो, तुम तो आजकल हमारी भीतरी सजावट की पार्टियों में नहीं आती हो, और तुम उस एवॉन महिला से भी बात करना नहीं चाहती। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो केवल इतना कह रही हूं कि ऐसे लोगों के बीच में थी जो अपना अधिकांश समय, हम गैरेज बिक्री पर जाएंगे, हम फल और सब्जी बाजार चलेंगे हफ्ते में एक बार, हर सुबह हम कॉफी पियेंगे और हर एक के बारे में बात करेंगे जो वहां नहीं था। हम हर रविवार को चर्च के बाद लंच पे जाएंगे और पास्टर के बारे में बातें करेंगे। मैं ये सब करती हुई परमेश्वर के बुलावे का काम नहीं कर सकती थी। बाइबल कहती है प्रेरितों 7:25 में कि मूसा ने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने नहीं समझा। उसने मुझसे बात की, उसने सोचा कि वे समझेंगे। आप सोचते हैं कि जब प्रभु बुलाता है लोग समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। मैं अपने चर्च से निकाल दी गई, परिवार वाले विरुद्ध खड़े हुए, मैंने सारे मित्र खो दिए, उन्होंने मुझे नहीं समझा। मगर मैंने उन बंधनों को तोड़ डाला, सारी रुकावटों को दूर कर दिया, सारे उन बोझों को उतार फेंका और कहा मैं अपनी दौड़ दौड़ूंगी। यीशु के परिवार ने उसे समझा नहीं, उन्होंने सोचा कि यह पगला गया है। क्या पत्रस की पत्नी ने उसे समझा था जब उसने घर आकर कहा आज मैंने अपना काम छोड़ दिया, मैं एक आदमी से मिला और मैं उसके साथ गांव गांव घूमूंगा और शायद मैं कुछ महीने घर नहीं लौटूंगा, मगर यह परमेश्वर है।
देखिए मेरी बात समझिए, पतरस की एक सास थी सो उसकी पत्नी भी होनी चाहिए थी। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। पतरस लाभदायक मछली का व्यापार छोड़कर यीशु के साथ देश भर घूमने लगा। मेरा ये दूर का सुझाव भी नहीं कि आप ऐसा ही कुछ करें, मगर मेरा कहना है अपनी प्राथमिकताओं का पता लगाइए और उन्हें स्थिर कीजिए। पहली प्राथमिकता है प्रभु के साथ आपका रिश्ता। किस प्रकार का रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ होना चाहिए इस पर निर्भर करेगा कि कितना समय आप इसमें लगाने को प्रस्तुत हैं। अगर आप व्यस्त हैं तो जीवन की कुछ चीजों को छाट देने की आपको जरूरत है। नंबर दो प्राथमिकता है आपका परिवार और अन्य व्यक्तिगत रिश्ते जो आपके चाहिए हों। हर एक के साथ गहरी दोस्ती तो आप नहीं करेंगे, आप गहरी दोस्ती मुट्ठी भर लोगों के साथ कर सकते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि किन के साथ आप गहरी दोस्ती करेंगे और आपको बहुत सा रिश्तों का समय उन्हें देना पड़ेगा। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, बहुत से पहचान के लोग होंगे, आप उन्हें दोस्त कहते होंगे, मगर मेरा कहना है कि अच्छे मित्र पाने के लिए बहुत सा समय खर्चना पड़ता है। सबके मित्र होने की कोशिश में किसी के भी अच्छे मित्र नहीं बनेंगे। क्या आप जानते हैं कि संबंध परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है और बाइबल संबंध के विषय बताती है। 10 आज्ञाएं संबंध के विषय में हैं। पहली 4 परमेश्वर के साथ संबंध के विषय बताती है और आखिरी 6 लोगों के साथ संबंध के विषय बताती है और उनसे कैसे व्यवहार करें ये बताती है। संबंध महत्वपूर्ण है। अपने जीवन भर काम करने में इतने व्यस्त न हो कि आपके कोई मित्र या संबंध ना हो। जिस साल में टीवी पर आए उस साल एक सेवक ने मुझसे कहा, हमने इस व्यक्ति से मुलाकात की और मैंने कहा आप तो टीवी पर काफी समय से आ रहे हैं, मुझे आप टीवी पर जाने के विषय कुछ बता सकते हैं। उन्होंने कहा मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। जानते उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसे समय पर पहुंच गए थे जहां वे पूरे थक चुके थे। वो सारे वर्ष जो उसने परमेश्वर के राज्य में निवेश किया उन वर्षों के कारण वो कड़वे हो चुके थे और उन्होंने कहा मेरे कोई मित्र नहीं, मैं सड़कों पर अकेला हूं, मेरे विषय कोई परवाह नहीं करता और जो कुछ उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिलने के बाद वे मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने एक बड़ी गलती की है क्योंकि मैं संतुलन से बाहर रहा हूं और मैंने संबंध बनाने में कुछ भी समय नहीं बिताया और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे समय की सेवकाई करने वाले कितने लोग आपसे कहेंगे कि वे अकेले हैं। जानते क्यों? क्योंकि कई बार हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये हमारा काम नहीं है। आज अमेरिका के विषय जो मैंने कहा उसके बारे में डेव और मैं सुबह बातें कर रहे थे और उनके विषय उनमें बड़ी इच्छा है। मैंने कहा जानते डेव हम इसके लिए बुलाए नहीं गए हैं। हम सभा में 15-20 मिनट लेते हैं और वो हमारा भाग है, हमें वो भाग करने के लिए बुलाया गया है। क्या जीवन उलझन बन गया है आपके लिए? आज जीवन इतना जटिल हो गया है कि खोज वाले बताते कि आज हम एक दिन में उससे भी अधिक संदेश पाते हैं जितने हमारे दादा परदादा जिंदगी भर पाते थे। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, विज्ञापनबाजियों ने जीवन को जटिल बना दिया है और उलझा दिया है। जीवन जटिल और क्षुब्ध होने लगता है जब हमारी प्राथमिकताएं और प्रभु के दत्त कार्य हमारी दृष्टि में धुंधले होने लगते हैं। प्रभु के पास आपके लिए अच्छी योजना है और उस योजना पर आपका फोकस रहना चाहिए और प्राथमिकताओं को सीधा रखना चाहिए। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी मदद से आप प्राथमिकताओं को सीधा रखेंगे, प्रभु का दत्त कार्य पूरा करेंगे और भविष्य में कदम रखेंगे पूर्ण विश्वास के साथ कि हर अच्छी चीज जो प्रभु के मन में आपके लिए है वे अवश्य घटेंगी। उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का।